औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, इमरान बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर। आज की मेरी वीडियो उन तमाम असातिज़ा के लिए है, उन तमाम पेरेंट्स के लिए है कि जिनके बच्चों ने मैट्रिक या एफए एफ एस सी का इम्तहान पास कर लिया है और वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे के जो नंबर हैं वो ज़्यादा बढ़ सकें, यानी वो मार्क्स उनके इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, अब लाहौर बोर्ड ने पॉलिसी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की चेंज कर दी। अच्छा, पहले क्या होता था और अब क्या चेंज हुई? पहले ये होता था कि अगर आप पार्ट वन के नंबर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सारे पार्ट वन के पेपर देने पड़ेंगे। पार्ट वन से मुराद है 9th या 11th, उसके बाद यहाँ आप पार्ट टू के पेपर दे सकते हैं। पार्ट टू से मुराद है जिसको आप 12वीं कहते हैं या 10th क्लास। तो आपको पूरी का पूरा जिसे कहते हैं कि 9th के पूरे पेपर देने पड़ते थे या 10th के देने पड़ते थे, 11वीं के पूरे पेपर देने पड़ते थे या 12वीं के। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी कर लेते। अब सब्जेक्ट में क्या पैटर्न था, पहले यह था कि अगर लेट्स सपोज आपके नंबर मैथ में कम है तो आपको 9th और 10th मैथ दो एक पेपर देना पड़ता था। मींस कि अगर आपने दो सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, एक मैथ है एक इंग्लिश का, तो आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों का पेपर देना पड़ेगा, यानी मैथ वन मैथ टू और उसके बाद इंग्लिश वन इंग्लिश टू। तो दोनों जो सब्जेक्ट होंगे उनके दोनों पेपर देने पड़ते हैं। अब क्या चेंज आई? अब तमाम जो तलबा हैं या टीचर हैं उनके लिए खुश रखती है कि अब लाहौर बोर्ड ने पॉलिसी चेंज कर दी। अब आप सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन क्या, एक बच्चे ने 10th के पेपर दिए, ओके, उसके 9th के अंदर जो मैथ है उसके नंबर कम थे और उसके बाद 10th में जो केमिस्ट्री उसके अंदर कम थे। अब वो ये उसके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो मैथ 9th के पेपर देगा और 10th केमिस्ट्री का पेपर देगा। अब वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह पहले होता था कि आपने पार्ट वन का भी देना पार्ट टू का भी देना, ये अब ऐसा नहीं होगा। दोबारा सुन लें कि लाहौर बोर्ड ने मार्क्स इम्प्रूवमेंट की जो पॉलिसी है वो चेंज कर। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्ट वन हो या पार्ट टू, कोई एक मजमून जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई एक हो दो हो उसी पार्ट का हो, या 10th में कोई पेपर है, लेट्स सपोज आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और सिर्फ पार्क स्टडी का पेपर देना चाहते हैं तो सिर्फ आप पार्क स्टडी का पेपर देंगे। अगर आप जिसे कहते हैं पार्ट टू में फिजिक्स का पेपर देना चाहते हैं तो सिर्फ फिजिक्स का पेपर देना चाहते हैं। अगर पार्ट वन में भी किसी एक का शामिल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनके नंबर कम है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड एनुअल आता है उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। तो ये जो बात है तमाम टीचर नोट कर लें, तमाम पेरेंट्स नोट कर लें और तमाम तलबा वो भी नोट कर लें और बताएं लोगों को, ताकि अगर कोई मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता है तो वो ज़रूर इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाए। शुक्रिया।